जय हिंद फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। 4.3 के 1, 2 एंड 3 सम देख चुके हैं। ओके, नाउ 4.3 एक्सरसाइज कौन सी थी कि उसमें मैंने आपको दो टाइप के सॉल्यूशन बताया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास अगर होगा तो उसको मैं दो टाइप से सॉल्व कर सकता हूं। ओके, सबसे पहली मेथड कौन सी थी, तो कि कंप्यूटिंग स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसको मैं कंप्लीट करूं। फिर दूसरी मेथड एक हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मेथड। ओके, तो वो दो मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने किया था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ से हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर मुझे क्या दिया है, देखिए 4 से लेके 11 जितने भी सम है इस एक्सरसाइज के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है। ओके, आईएमपी सम है, आपको इसमें से कोई भी सम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए द सम मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, यहाँ पे डेटा बनाता जाऊंगा ताकि आपको आसान रहे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रोहन्स एज इन ईयर, रोहन की एज किस में लेना है, ईयर में लेना है। ओके, 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर्स आफ्टर इज 1/3। ओके सर, फिर से पढ़ते हैं। यहां पे मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूं, सपोज रेहमान है। ओके, रेहमान रोहन कोई भी हो, रेहमान्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर। ओके, सपोज उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स ईयर। ओके, अब मुझे कुछ ऐसा बोला गया है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं 2 लिखता हूं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। अगर 5 लिखता हूं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा फ्रेंड्स, 1/5। तो आगे पढ़ता हूं डेटा को, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रोहन्स एज इन ईयर 3 ईयर अगो। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं बिफोर 3 ईयर रेहमान एज। ओके, अभी उसकी एक्स उसकी जो एज है वो एक्स ईयर है, तो 3 साल पहले की एज क्या होगी, तो मैं अभी की एज में सपोज ऐसा अज्यूम करिए कि मेरी अभी की एज 25 ईयर है, 3 साल पहले मेरी एज क्या थी, तो 25 माइनस में 3 करूंगा तो मुझे 3 साल पहले की एज मिल जाएगी। तो ऐसा ही मुझे यहां पे करना पड़ेगा कि भाई उसकी अभी की एज एट प्रेजेंट उसकी एज जो है एक्स है, तो 3 साल पहले की एक्स माइनस 3 ईयर होगा। यस, ओके, नेक्स्ट। फिर ऐसा बोला है एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब यहां से 5 ईयर पीछे, मतलब ऐसा मैं समझू कि आफ्टर 5 ईयर, अगर मैं यहां से 5 ईयर आगे जाऊंगा तो उसकी एज जो होगी वो क्या होगी, आफ्टर 5 ईयर रहमान से एज, चलिए प्रेजेंट की एज में मैं 5 ऐड कर दूंगा तो आफ्टर 5 ईयर की एज मुझे मिल जाएगी। ओके, 5 ईयर। ओके, नाउ अब मुझे इसका कुछ रिलेशन दिया है कि भाई उसका सम, लेकिन किसका सम, रेसिप्रोकल का सम। ओके, तो यहां पे लिखूंगा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेहमान्स। ओके, रेहमान्स एज 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर आफ्टर इज हाउ मच, कितना मुझे दिया है, तो कि भाई 1/3 दिया। ओके, कोई बात नहीं, चलिए तो इसको आपको ये समझना होगा कि 3 ईयर आफ्टर बिफोर 3 ईयर की एज का एंड आफ्टर 5 ईयर की एज का दोनों का रेसिप्रोकल का मैं एडिशन करूंगा, तो यहां पे 1/x-3 प्लस 1/x+5 अगर करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिला है फ्रेंड्स, 1/3। ओके, दिस इज द इक्वेशन। ओके, ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स। चलिए 1/3 दिया, तो फाइंड द प्रेजेंट एज,
प्रेजेंट एज में कैसे फाइंड करूंगा, मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन मेथड। ओके, मैंने आपको तीन मेथड बताई है, तीन मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। चलिए यहां पे मैं अब इसको सोल्व कैसे करेंगे फ्रेंड, इसको मैं ऐसे सोल्व करूंगा कि पहले इसका एलसीएम लूंगा। ओके, एलसीएम कैसे लेंगे, तो यहां पे x प्लस फाइव यहां पे मल्टीप्लाई में जाएगा प्लस एक्स एक्स माइनस थ्री यहां पे जाएगा, अपॉन क्या रहेगा फ्रेंड्स x माइनस थ्री यहां पे x प्लस फाइव इज इक्वल टू वन बाई थ्री होगा कि नहीं। यस, x प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस, तो यहां पे क्या मिलेगा 2x प्लस टू मिल जाएगा इनटू ये थ्री को मैं यहां पे मल्टीप्लाई में, क्योंकि आपको पता है अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है तो इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई में, इसको मैं यहां पे, तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी ऐसे लिखना पड़ेगा ना। बस ओके, इसको मैं यहां पे पूरे इसका मैंने एडिशन, देखो बीच में एडिशन का रिलेशन है, तो x प्लस एक्स टू एक्स, फाइव माइनस थ्री तो प्लस टू। ओके, यहां पे मैं इसको यहां पे मल्टीप्लीकेशन में देता था और राइट हैंड साइड x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। अब मैं क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, अब आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। कैसे इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं सोल्व कैसे करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन देख सकते हो आप। यहां पे मुझे कितना मिल जाएगा अगर मैं देखू तो सिक्स एक्स प्लस सिक्स मिल गया। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जहां पे एडिशन होता है वहां पे एडिशन करिए कि भाई यहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड से सिक्स एक्स प्लस सिक्स को राइट हैंड में लेके जाऊंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, देखिए जीरो इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर था, यहां पे फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स तो प्लस टू एक्स मिलेगा, यहां पे सिक्स एक्स है यहां पे प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहां पे माइनस फिफ्टीन था, ये जो प्लस सिक्स है उठा के राइट हैंड में दूंगा तो माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स ऐसा बन जाएगा। इन शॉर्ट आपका जो इक्वेशन बना, अब आपका इक्वेशन कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, ये एक्स स्क्वायर ओके यहां पे बना माइनस फोर एक्स एंड यहां पे आपको क्या मिलेगा माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए ओके, चल अब आपको इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे सोल्व करेंगे हम, तो क्या यहां पे मैं देखूंगा ये वन एक्स के आगे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब वन होगा ही होगा, वन एंड माइन वन एंड ट्वेंटी वन तो 21 हो जाएगा। 21 के ऐसे फैक्टर निकालू यहां पे माइनस का साइन मतलब सब्ट्रैक्शन कर दे, जो मिडिल टर्म है वो माइनस फोर एक्स मिलना चाहिए। ओके, कैसे, तो अगर मैं 21 के फैक्टर देखू 7 थ्रीजा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 7 थ्रीजा 21। ओके, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं। दोनों में से एक्स को कॉमन निकाला एक्स माइनस सेवन, यहां पे प्लस थ्री को कॉमन निकाला एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं। तो आपको एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन का मल्टीप्लीकेशन दोनों का जीरो मिल गया। सो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला माइनस थ्री। अब एज कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो सो एज कांट बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मेरा आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू सेवन। तो आपको ये आंसर लिखना होगा कि एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहमान की जो भी एज होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू सेवन, सेवन ईयर हो जाएगी। ओके, चलिए एक बार नोट कीजिए सम को। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छे से हमने देख लिया, एक बार फिर से देखते हैं इसको, क्योंकि इस टाइप के सम ही आपको बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर से मुझे डायरेक्टली बोला द सम ऑफ रहमान्स एज इन थ्री ईयर अगो, थ्री ईयर रेसिप्रोकल एज का मुझे सॉल्यूशन करना है। कैसे करूंगा, सपोज मैंने रहमान की एट प्रेजेंट की एज सपोज कर ली एक्स ईयर, बिफोर थ्री ईयर आपको ऐसा लगेगा सर बिफोर क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे बोला है थ्री ईयर के पहले,
अगो, ओके। तो 3 ईयर पहले मतलब बिफोर 3 ईयर हेमंत एज विल बी x माइनस 3 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद की जो रहमान की एज है वो x प्लस 5 ईयर हो गए। अब इन दोनों का सम नहीं करना है, इसके रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 करना, ये मुझे दिया है तो लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए अब यहां से क्या करना है, आपको मैंने बताया कि भाई इसका मैंने एलसीएम लिया तो x प्लस 5 1 के साथ, x माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1/3, ओके। नाउ अब मैंने क्या किया, ये जो 3 को यहां पे मल्टीप्लिकेशन दिया, इसका जो भी एलजेब्रिक ऑपरेशन था कि भाई x प्लस x 2x, 5 माइनस 3 तो प्लस 2, 2x प्लस 2 कर दिया, 3 को यहां पे मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन उठा के यहां पे रख दिया, ओके। चलिए अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू दिस, ऐसा मैंने कर दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 0 सेट किया दोनों टर्म को, राइट हैंड में उठा कर लेके गया यहां पे 5x माइनस 3x तो प्लस 2x, ये 6x यहां पे जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 15 यहां पे प्लस 6 जाएगा तो माइनस 6 यहां पे हो जाएगा, ओके। तो फिर ये इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे मैंने कौन सी मेथड अप्लाई की फ्रेंड्स, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से मैंने ये सम को सॉल्व किया, प्लीज नोट इट डाउन अच्छे से, ओके। ऐसे सम पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओके। इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, ओके। कौन सा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सपोज सेफालीज मैथ्स मार्क्स या फिर मार्क्स ऑफ मैथ्स एक्स मार्क्स लिखे, ओके। और मैथ्स का और इंग्लिश का जो भी सम है वो 30 है, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना होगा, यहां पे लिखूंगा मार्क्स ऑफ इंग्लिश कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो यहां पे 30 माइनस एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तब जाके मुझे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। देखिए एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, ओके। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपको दोनों का आंसर, दोनों का एडिशन मिल जाएगा मार्क्स ऑफ इंग्लिश 30 माइनस एक्स लिखा। चलिए आगे बढ़ते, अब हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, ओके। चलिए तो सी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा होता है तो x प्लस 2 करना पड़ेगा, ओके। चलिए एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ओके। तो यहां पे 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो सर इंग्लिश के मार्क्स कितने थे, इंग्लिश के मार्क्स थे 30 माइनस एक्स, तो उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, कितने मार्क्स लेस है, तो 30 माइनस एक्स में से 3 मार्क्स लेस करिए, ओके। तो आपको आइडिया आ जाएगा। नाउ अब आगे बढ़ रहा हूं फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 2, 10, ओके। प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स इज इक्वल टू 2, 10, ओके। नाउ तो सर मैं किसका प्रोडक्ट करूंगा, यहां पे x प्लस 2 आएगा, यहां पे 30 में से 3 को माइनस करिए तो 27, क्या लिखूंगा, 27 माइनस x इज इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा, यस दिस इज द इक्वेशन। ये मेरा क्या बन गया फ्रेंड्स, इक्वेशन बन गया, ओके। चलिए अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा, यहां पे आएगा 27x, x 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 इंटू, अगर मैं 2 करूंगा तो यहां पे 54 आ जाएगा, ओके। चलिए माइनस यहां पे 2x मिल गया इज इक्वल टू 10। चलिए यहां पे आपको अगर एक चीज नोट करनी हो तो ये x स्क्वायर वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव रहने नहीं दे सकता उसको, लेफ्ट हैंड साइड 0 रख दूंगा, ये x स्क्वायर उठा के राइट हैंड में दूंगा तो पॉजिटिव x स्क्वायर बन जाएगा यहां पे।
ये कितना है 27x माइनस 2x है, तो 25x लेकिन कैसा पॉजिटिव होगा, वो लेफ्ट हैंड में से राइट हैंड में मैं फेंकूंगा तो माइनस 25x मिल जाएगा। यस ओके नाउ यहां पे ये जो 210 जो है ओके 210 जो है उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसमें से मुझे कितना माइनस करने का 54 मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये साइड पॉजिटिव है राइट हैंड में। देखिए इसको माइनस करना, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ठीक है। मुझे कितना 210 में से 54 माइनस करना है ओके, तो पहले 54 को साइड में रखो तो यहाँ पे कितना मिलेगा 260 मिलेगा। यस 260 मिल जाएगा। अब 260 में से इसको माइनस करूंगा 4 को तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये होगा 160 होगा ना फ्रेंड्स। यस 160 हो जाएगा ओके क्योंकि 60 प्लस 50 करोगे तो 210 मिल जाएगा सीधी से बात। अब 160 में से 4 को माइनस करूं तो 156 लेकिन कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव होगा। चलिए इस इक्वेशन को मैं कैसे हैंडल करूंगा, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में यहाँ पे 156 के ऐसे फैक्टर निकालू, एडिशन करके माइनस 25 मिलना चाहिए मिडिल टर्म। चलिए देखिए ओके फैक्टर निकालते हैं। अगर मैं ऐसा करूँ कि भाई 12 13, यहाँ पे जीरो आएगा, ये टू ओके, ये जीरो रखा, ये वन, ये ओके, ये हो गया सिक्स, ये होता है थ्री ओके, तो 651 आ गया मेरा आंसर। मैं यहाँ पे किसको लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156। किसी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर आपने ये लिखा कैसे ओके ये कैसे लिखा, तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये 156 के मैंने क्या किए फैक्टर निकाल दिया, ये टू लिखा यहाँ पे 7 फिर यहाँ पे क्या 156 डिवाइड बाय अगर 2 करूँगा तो 7 2 14 यहाँ पे 1 ये 6 7 2 8 16 हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 78, यहाँ पे फिर से काटूँगा फिर से कितना आएगा ये 3 1 बचा यहाँ पे बचेगा 9 ओके। अब मुझे कितना, तो 13 के टेबल में 39 आता है, कितना 39 होता है ओके 3 बचेगा यहाँ पे फिर से 3 से काटूंगा ये 1 हो गया, तो ये हो गया 3 2 6 6 2 12, तो एक फैक्टर मिल गया 13 और दूसरा मिला 12। देखिए यहां से मैंने इसको निकाल लिया ओके, आप ऐसे भी कर सकते। चलिए अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पे जीरो है तो x कॉमन निकाला, x माइनस 13 दिया, माइनस 12 कॉमन निकाला, x माइनस 13 इज इक्वल टू, अब मैं राइट हैंड में जीरो लिख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, x माइनस 12 x माइनस 13 आपको इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। यस तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू कितना मिल गया 13। चलिए अब आपको ये आंसर, ये कोई कंफ्यूजन हो सकता है कि सर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 13 कैसे आ सकता है, आ सकता है कैसे, इफ यहां पे लिखना पड़ेगा इफ मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू कितना है 12, अगर मैथ्स के मार्क्स 12 होंगे तो आपको x की जगह पे 12 रखना है, तो इंग्लिश के कितने होंगे, इंग्लिश के मार्क्स कैसे फाइंड करूंगा, 30 में से 12 को माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 18 ओके। दिख रहा है आपको यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स, अगर देखिए मैंने एज्यूम क्या किया, सेफालिस मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू एक्स ओके, तो एक्स मुझे क्या क्या मिला, एक तो 12 मिला एक तो 13 मिला ओके। अब तो अगर मैं मैथ्स के मार्क्स 12 ले रहा हूं तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों मुझे पॉसिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, मैथ्स के मार्क्स अगर 12 ले रहा हूं तो यहां पे मैं 12 रखूंगा तो 30 माइनस 12 मतलब कितना मिलेगा 18, या फिर इफ मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू 13 है, चलिए अब यहां पे 13 रखिए तो इंग्लिश के मार्क्स कितने मिलेंगे, मार्क्स 30 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 17 मिल जाएगा ओके ओके फ्रेंड्स। चलिए ये क्या हो गया मेरा सम नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद सिक्स के ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं आपको रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 6 रेक्टेंगल, यह कोई रेक्टेंगल है और मुझे बोला है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 6 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. ओके, जो छोटी वाली साइड होगी, तो यहां पे ये छोटी वाली साइड दिख रही है. हाँ, यही दिख रही है ना, छोटी वाली. ये दोनों इसके कंपेयर में तो बड़ी है. यहां पे लिखूंगा सपोज शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर. ओके, शॉर्ट साइड क्या है? शॉर्ट साइड है एक्स मीटर. इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर. ओके, तो यहां पे लिखूंगा लॉन्गर, लॉन्ग साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्ट साइड. सर 30 मीटर मोर है, इसका मीनिंग क्या होता है? x प्लस 30 करना पड़ेगा. यस, वाई नॉट, x प्लस 30 करना ही पड़ेगा. ओके, फिर जो डायगोनल बोला है, डायगोनल के बारे में क्या बोला है? डायगोनल, डायगोनल साइड इज, ये भी तो एक साइड ही होगी डायगोनल की. ठीक है, ये डायगोनल हो गया 60 मीटर मोर देन शॉर्टर इज 60 मीटर मोर देन शॉर्ट साइड. ओके, तो शॉर्ट साइड थी x, तो उसमें मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 60, तो जाके मुझे क्या, ये मीटर है, यूनिट मीटर आए. ओके, तो यहां पे मैं दिखा दूं कि भाई ये जो x प्लस 30 बन रहा है, ये क्या बन रहा है? x प्लस 60 बन रहा है. ओके, आपको दिमाग में आ चुका होगा सब डेटा, अब कुछ भी हार्ड नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. फिर मुझे एक सब बोला है कि 30 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. ओके, चलिए कोई नहीं. तो अगर आप यहां पे देख रहे हो, तो ये जो ए, ये बी और ये सी, अगर ये डी ले रहा हूं, ठीक है, तो जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं? ए बी सी क्या बन रहा है फ्रेंड्स? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ओके, चलिए, तो सर उसके हिसाब से अगर मैं देखना चाहूं तो एक्स प्लस, यहां पे लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो यहां पे अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं? यस, होगा, डेफिनेटली होगा. यहां पे एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा. अब इसको सॉल्व करना है. ओके, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा यहां पे ध्यान दीजिए. यहां पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन, बीच वाली टर्म क्या हो गया, 120x प्लस 3600. यहां पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900. ओके, चलिए, ये क्या हो चुका है, ये एक्स एक्स निकल जाएगा. अब आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, सारी टर्म को लेफ्ट हैंड में लेगा, राइट हैंड में लेके जाइए. यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों तो निकल गया, कैंसल आउट. ये जो एक्स स्क्वायर है वो अब 120 पॉजिटिव है, राइट हैंड में फेंकूंगा तो नेगेटिव 60, ये प्लस 60 था, 60 माइनस 120 अगर आप करोगे तो माइनस 60 ही मिलेगा. ओके, ये तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई लॉजिक दौड़ाने की जरूरत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन. ओके, अब 3600 को राइट हैंड में अगर मैं फेंकूंगा तो माइनस 2700 मिलेगा. ओके, 900 को माइनस करना पड़ेगा, नहीं ये 3600 राइट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 900 करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे माइनस 2700 मिल गया. ओके, 2700 मिल जाएगा. ओके सर, अब हमको क्या करना है, अब 2700 का सब्ट्रैक्शन करके मिडल टर्म नेगेटिव हो ऐसा कोई ऑपरेशन दिखाना, ऐसी कोई मिडल टर्म को स्प्लिट करनी पड़ेगी. ओके, तो हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये दो जीरो को हटा दीजिए, अभी यहां से एक जीरो को हटा दीजिए. ओके, अगर मैं 27 के ऐसे फैक्टर निकालूं कि भाई सब्ट्रैक्शन करके 6 मिलना चाहिए, तो 9 3 कितना मिलेगा,
9 3 कितना मिलेगा 27. तो अगर मैं यहां पे दो जीरो, देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर 27 के फैक्टर निकालने हैं तो 9 3 27 मिलेगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो कितना आएगा 6 ही आ रहा है. अगर मैं यहां पे एक जीरो लगाऊंगा, यहां पे एक जीरो लगाऊं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में यहां पे दो जीरो लग जाएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन में यहां पे एक जीरो आएगा. देखिए एकदम सिंपल फैक्टर निकाल लिया मैंने. ओके तो मुझे फैक्टर क्या मिल गया फ्रेंड्स, फैक्टर मिल गया 90 and 30. यहां पे लिखूंगा x square minus 90x plus 30x. एक चीज याद रखनी पड़ेगी, मुझे करना सब्ट्रैक्शन है. देखिए यहां पे सब्ट्रैक्शन और मिडिल टर्म की जो साइन होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव की आनी चाहिए. ये है माइनस 2700. ओके इज इक्वल टू, मैं जीरो लिखूंगा. x कॉमन निकालो, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन निकालो, x माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. ओके चलिए x प्लस 30 x माइनस 90 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया फ्रेंड, जीरो मिल गया. ओके नाउ तो मुझे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 30 और x इज इक्वल टू मिलेगा 90. ओके मुझे फाइंड क्या करना है फ्रेंड, साइड. साइड का मेजरमेंट मतलब लेंथ होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ओके तो सो साइड कांट बी नेगेटिव, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो मैं इसको नहीं ले सकता. ओके मैंने इसको कैंसल कर दिया तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 90. तो यहां पे लिखना पड़ेगा सो शॉर्ट साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, लॉन्ग साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 120 मीटर एंड डायगोनल इज इक्वल टू 90 प्लस कितना दिया है 60 करना पड़ेगा तो कितना आएगा 150 मीटर करना पड़ेगा. देख लिया अब. ओके तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा आंसर हो गया. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर ये डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर. ओके क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड द स्क्वेयर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर. द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नंबर इज 180. तो यहां पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 7. Suppose two numbers. लेकिन उसमें भी कुछ आगे बोला है क्या, the difference of two number, the square of smaller number is 8 times larger number. Okay, तो suppose two numbers में larger number is equal to x लिखूंगा and smaller number इज इक्वल टू, मैं कोई y अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है. x और y आप कुछ भी ले सकते हो, अगर लार्जर को आपको y लेना है, स्मॉलर को x लेना है, आप उसके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो. ओके लेकिन डेटा परफेक्ट पढ़ना है, डेटा परफेक्ट ऑब्जर्व करना है. चलिए अब मैं क्या करूंगा, तो इन दोनों का स्क्वेयर का सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना दिया है 180. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा. ओके सर ये कहां से ले, तो ये मैंने डेटा पढ़ा. क्या डेटा में स्टार्टिंग बोला है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो भी डिफरेंस होगा वो 180 होना चाहिए. ओके नाउ द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. ओके यहां पे लिखूंगा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number. Okay सर इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि भाई वाई स्क्वेयर, द स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर वाई था उसका स्क्वेयर लार्जर नंबर से कितना है 8 टाइम्स. दो अगर मुझे यहां पे ऐसा लिखना है तो 8 टाइम्स लार्जर नंबर ऐसे लिख पाऊंगा. स्क्वेयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर. ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ये जो डेटा दिया उसके हिसाब से मैंने
फॉर्मूला बनाया। ओके, अब इस इक्वेशन को मैं अगर पुट इन पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 180, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0, चलिए 180 के ऐसे फैक्टर निकालो, यहां पे क्या दिया सब्ट्रैक्शन करके माइनस एट एक्स मिडल टर्म मिलना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, ओके 18 आएगा ना, हाँ 18 इंटू अगर आप 10 करोगे तो 180 मिलेगा, मिलेगा दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करोगे आप तो 8 मिलेगा, मिलेगा यहां पे लिखना है माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ओके, x को कॉमन निकालो, x माइनस 18 प्लस 10 को कॉमन निकालो, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, यहां पे x प्लस 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 मिल गया आपको, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल क्या मिल गया माइनस 10, x इज इक्वल क्या मिल गया प्लस 18 मिल गया। चलिए अब मुझे यहां पे क्या बोला है, द डिफरेंस फाइंड द टू नंबर्स, ओके द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ओके, तो ये दो नंबर ठीक है, नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, आपने रियल नंबर पढ़ा होगा उसके अंदर तो कैसे कैसे नंबर आ सकते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा कि भाई अगर मेरा लार्जर नंबर, अच्छा दोनों फाइंड करते हैं, चलो इसके हिसाब से, इफ इफ x इज इक्वल टू माइनस, अगर x की वैल्यू अगर मैं माइनस 10 लिखता हूं ठीक है, तो मुझे पॉसिबल मिलता है क्या, दैट इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इनटू माइनस 10। ओके, तो ये माइनस 80 मिल गया। देखिए आपने वैल्यू रखी तब जाके आपको पता चला ना कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि भाई विच y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 80, तो y इज इक्वल टू मिला कितना, मिला माइनस अंडर रूट में, अंडर रूट में माइनस 80 विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, यहां पे नंबर था ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, x आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, लेकिन जब आपने इस इक्वेशन के इस सम के रिलेटेड वैल्यू डाली कि भाई इस सम में मुझे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का एक रिलेशन दिया था, उसमें आपने वैल्यू डाली, तब आपको जाके पता चला कि भाई x अगर -10 लोगे आप तो उसके रिलेटेड आपको कोई y मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, ये रियल नंबर में नहीं आता, ये इमेजिनरी नंबर में आता है। ओके, सो व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इफ x इज इक्वल टू 18 लूंगा मैं, x इज इक्वल 18 कहां पे, यहां पे रखना है, तो मुझे क्या मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 करना पड़ेगा। ओके सर, ये पॉसिबल होगा, चलिए आ गया। ओके, ये 144 y स्क्वायर, अगर मैं y का अंडर रूट निकालूंगा तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12 मिल सकता है ना फ्रेंड्स, यस। ओके, क्या मिला मुझे प्लस और माइनस, अगर मैं यहां पे, ओके हो जाएगा, चलो प्लस और माइनस 12 मिल गया, क्योंकि ये अंडर रूट निकालोगे आप तो या तो प्लस 12 मिल सकता है या तो माइनस 12 मिल सकता है। ओके, सो x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू प्लस 12 और x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू माइनस 12, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स मेरा आंसर। चलिए, इस लेक्चर के अंदर हमने 4, 5, 6 और 7 ये चार सम किए हैं, अच्छे तरह से आपको इस सम को प्रिपेयर करना है। ये सब इतने धीरे क्यों चलाए, क्योंकि 12th की 10th के बोर्ड की एग्जाम के अंदर ऐसे सम पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जय अंबे, लिख लीजिए।